लड़का एक बड़ा सा ढेला उठाकर कराहते हुए कहता है, देखो बाबा, ढेले को पटक देता है। गाधी कहते हैं, तुम ताकतवर बनना चाहते हो, है ना? लड़का, मगर मैं तो ताकतवर हूँ, बस ये पत्थर हाथ से फिसल गया। गाधी, अच्छा तुमको पता है पैगंबर साहब ने किसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है? लड़का, पैगंबर साहब ने? गाधी फिर कहते, तुमने अभी तक नहीं सुना? अच्छा तो मैं बताता हूँ। अल्लाह ने जब धरती बनाई तो उसको खूब जोर से हिलाया, इस तरह पहाड़ बन गए ताकि धरती मजबूत कदमों पर खड़ी रहे। तब फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार, क्या पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज इस कायनात में है? लोहा, अल्लाह ने जवाब दिया, क्योंकि वो पहाड़ को तोड़ सकता है। और लोहे से ज्यादा ताकतवर? आग, क्योंकि वो लोहे को गला सकती है। और आग से ज्यादा? पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ज्यादा ताकतवर? हवा, वो पानी को हिला देती है। फरिश्ते बोले, क्या इन सबसे बढ़कर ताकत वाली कोई और चीज भी है क्या? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, एक नेक इंसान जो ज़कात देता है, और अगर वो दाहिने हाथ से जो दान देता है उसके बारे में बाएं हाथ को पता भी नहीं लगने देता, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। लड़का उन्हें ताकता रहता है, हिचकता है कि हंसे या नहीं। गांधी, तुम जानते हो ना ज़कात का मतलब? ज़रूरतमंद के लिए तुम जो भी दया का काम करो वही ज़कात है। जैसे तुम किसी राहगीर को रास्ता दिखा दो, या उसे देखकर मुस्कुरा दो, या जैसे किसी बूढ़े के बैठने के लिए कोई पत्थर बिछा दो। लड़का देखता रहता है, फिर शर्माकर भाग जाता है। आदमी, आप तो हमारे दीन को अच्छी तरह जानते हैं साहब। वह दहलीज पर उखड़ू बैठ जाता है। गांधी फिर कहते हैं, इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है। काठियावाड़ में मैं मुसलमान और पारसी बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ता था। दक्षिण अफ्रीका में जिस मुवक्किल का केस मैं कोर्ट में लड़ रहा था, वह व्यापारी और उसके सारे दोस्त मुसलमान थे। उन लोगों को मैं अच्छी तरह समझ सकूं, इसी की खातिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ी। बाद में भी जैसे दोस्त लोग आपस में एक दूसरे को गलीचे या हीरे जवाहरात भेंट में देते हैं, मेरे मुस्लिम दोस्तों ने खुश होकर मुझे पैगंबर साहब के और संत महात्माओं के अनमोल बोल उपहार में दिए। आपके प्रधानमंत्री सुहरावर्दी साहब ने भी मुझे 3 अनमोल बोल सुनाए थे जब मैं इस सफ़र पर निकल रहा था। उनमें एक तो ये था, दुनिया में एक ऐसे मुसाफिर की तरह जियो जो मौत के घर से आता है और फिर वहीं लौट जाता है। जब वे बोल रहे हैं, गांव के लोग एक एक कर आते जाते हैं और ज़मीन पर बैठते जाते हैं या खड़े रहते हैं, मानो एक हिंदू औरत का हाथ पकड़े आते हैं। मुस्कुराता मुसलमान कह रहा है, ज्ञान की कहनात मुसाफिर पर मौजूद है।
गांधी कहते हैं, जाहिर है पैगंबर साहब यही कहना चाहते थे कि हमें किसी भी चीज पर आसक्त नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में कि भोग बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज है आसक्ति। जैसे मैं अभी यहाँ शाहपुर में बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। जो भी हमारा काम है उसे अभी और यही जिंदगी के किसी भी दौर में कर डालो और फिर अपनी लाठी उठाकर चलते हो, यही मानकर कि ये दुनिया अपना घर नहीं। नाराज मुसलमान, पैगंबर साहब के वचन आप बड़े खूबसूरत ढंग से समझाते हैं, मगर अगर हम में से कोई गीता की व्याख्या करने लगे तो आप एक हिंदू के नाते क्या कहेंगे? गांधी, यही सवाल कुछ दिन पहले लीग के एक बड़े नेता ने एक भाषण के दौरान उठाया था। उन्हें ताज्जुब था कि मुझको त्रिपुरा में किसी नहर में क्यों नहीं फेंक दिया गया। लोग हंसते हैं, लेकिन मैं आपकी पाप किताबों की व्याख्या नहीं कर रहा, मैं तो बस यह बता रहा हूँ कि मैंने अपने लिए उनसे क्या सीखा। गांधी का बड़प्पन देखिए दोस्त, एक मिनट रुक कर और शक्त होकर इस पर सोचा जा सकता जब वो पैगंबर का उदाहरण देते हैं शांति स्थापित करने के लिए उन लोगों को जो पहले से भड़के हुए हैं, तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि अगर हम आपको गीता पढ़ाने लगे तो आपको कैसा लगे, और वो कैसे उसका जवाब देते हैं अपने को और सिखाने और अपने सीखने के उदाहरण के साथ। मुस्कुराता मुसलमान, हाँ आप सही कहते हैं, पैगंबर हुजूर ने अपनी वाणी कोई मौलवियों और अमीरों को नहीं बल्कि उन सभी को सुनाई थी जो उन्हें समझ सके। गांधी फिर कहते हैं, वैसे अगर कोई मुझे भगवत गीता समझाने लगे तो मैं उस आदमी से क्या कहूँगा, मैं तो इसको एक गौरव की बात समझूंगा और उससे कहूँगा मुझे भी ऐसा। बल्कि कई बार कुछ एक मेरे विदेशी मित्र हैं जो हिंदी के स्कॉलर्स हैं, मेरा विषय हिंदी नहीं है इतिहास है, और मुझे उनसे अपने धर्म अपनी भाषा के बारे में जानकर बेहद खुशी होती है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत करीब से वेद और गीता पढ़ी हो, जो मुझे नहीं मालूम वो मुझे बता सकते हैं। मैं तो इसको एक गौरव की बात समझूंगा और इससे कहूंगा आप उसे पढ़ा कीजिए, आपको लाभ होगा, क्योंकि कोई अगर सिर्फ अपने ही मजहब को जाने तो वह सोचेगा कि उसी का धर्म सबसे अच्छा है। आखिर जो जो व्यक्ति जिस जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म को तो वो सत्य ही मानेगा। इसी से तो हम एक दूसरे पर इतना गुस्सा करने लगे क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारा धर्म डगमग बुनियादों पर तो नहीं खड़ा, लेकिन जो आदमी सभी धर्मों का अध्ययन कर लेता है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने किया, जहाँ ईसाई मत में भी कम से कम 10 अलग अलग धाराएं थी, तो वह आदमी यह समझ जाता है कि सारे धर्म सत्य हैं, क्योंकि वे सभी ईश्वर तक पहुंचाते हैं। नाराज मुसलमान, तब अल्लाह ताला ने यह हुक्म क्यों दिया कि बुतों की पूजा मत करो, तब हिंदू लोग मूर्तियां क्यों बनाते हैं? गांधी फिर कहते हैं, कोई हिंदू ये नहीं कहता कि सिर्फ मूर्ति की पूजा करो,
मगर जिस तरह छोटे बच्चे तस्वीरें देखकर सीखते हैं या जैसे कुछ लोग सुन सुन कर सीखते हैं, उसी तरह ईश्वर अपने भक्तों को कभी मूर्तियों के माध्यम से तो कभी उनके बगैर अपने करीब बुलाता है। सुंदर व्याख्या। एक और गाय, आप एक जानवर की पूजा कैसे समझाएं? गांधी, हम गाय की पूजा नहीं करते, उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और सिर्फ उसी पर नहीं, हम पूरी प्रकृति के लिए श्रद्धा का भाव रखते हैं, जो कि गाय में भी मूर्तिमान है। ईसाई कहते हैं, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो जैसा खुद से, लेकिन वेद इनसे भी आगे बढ़कर यह निर्देश देते हैं, हिंसक पशु तक पर श्रद्धा रखो, क्योंकि वह भी ईश्वर की सृष्टि है। मुस्कुराता मुसलमान। अब दोस्तों, इसकी तो बड़ी व्याख्या, मतलब हिंसक पशु पर श्रद्धा तो है, दुनिया पागल है शेर के प्रेम, दुनिया पागल है सारे ताकतवर जानवरों के प्रेम में, उनको जू में बंद करके, लेकिन प्रकृति की पूजा करते हुए भी हमारे देश में हमारे धर्म ने भी प्रकृति का पर्याप्त संरक्षण नहीं किया, और इसी तरह से दुनिया भर में जानवर संरक्षण की खोज। तो श्रद्धा करने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके हिंसक होने की बात भूल जाएं। कहा यह जाता है कि सांप भी अगर छेड़ा नहीं जाए तो यूं ही नहीं काटता, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब निश्चित रूप से इस दुनिया में, सृष्टि में शेरों की अपनी जगह है, उनके जंगल होने चाहिए, उनके बछड़िया खानों में तो नहीं होना चाहिए, उनके लिए खुले रिजर्व होने चाहिए। और केदारनाथ सिंह की विश्व प्रसिद्ध कविता याद आ गई कि शहर में क्यों आया था, क्या वह भूखा था, गजब की कविता। मुस्कुराता मुसलमान, यही होना भी चाहिए। महात्मा जी ने सही फरमाया, नेक इंसान तमाम तरह के रास्तों से ईश्वर तक पहुंच जाता है। और प्रोफेसर से, और ये शख्स तो नास्तिक, नेकी पर बात करने की हिम्मत उसे कैसे हुई? नाराज मुसलमान, अखबार में तो ये भी निकला था कि जब आप दक्षिण अफ्रीका से आए तब आपने एक आदमी से कहा कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आप यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहते। गांधी, उस आदमी ने मेरी बात का गलत मतलब समझा, मैंने कहा ये था कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं हिंदू भी हूँ और पारसी हूँ, सो इसलिए कि मुझे तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ फायदा ही महसूस होता है। नाराज मुसलमान, तब आप हिंदुओं की हिमायत क्यों करते हैं? गांधी, वो कमजोर है, मैं उसी की हिमायत करता हूँ, जो कमजोर है मैं उसी की हिमायत करता हूँ, और फिलहाल यहाँ वो कमजोर है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है ना, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, और एक हिंदू हूँ क्योंकि हालांकि सभी रास्ते अच्छे हैं लेकिन ईश्वर ने मुझे इसी रास्ते पर भेजा, अगर मैं उसी पर चलता हुआ ईश्वर तक नहीं पहुंचा तो यह एक अधूरा पंथ होगा। सुंदर प्रश्न है, लाजवर ने मैंने बड़ा सुंदर लिखा। अब ये तो संभव नहीं है कि गांधी के अपने लेखन से बैठकर इसको मिलाया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं, जो कुछ भी, लेकिन ये कहा जा रहा है मतलब धर्म परिवर्तन के संबंध में मेरा मत भी बिल्कुल है। मुस्कुराता मुसलमान, दोस्तों कोरोना की शाम है, बेबी की खांसी और उसको
प्राइज़ नहीं लीजिएगा। आज अष्टमी भी है, दुर्गा अष्टमी, आप सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ। आज है तारीख 24 अक्टूबर और 2020, और आज नवरात्रि के त्यौहार के बीच अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन। काल रात्रि रूप था दुर्गा माँ का, उससे पहले कात्यायनी, और उससे भी पहले स्कंद माता, और बेहद खूबसूरत इस त्यौहार की इस बार थोड़ी सी कम फेस्टिविटी है, थोड़ा सा कम उसका जश्न है, क्योंकि कोरोना का कहर है तो हम तो घर में बंद हैं। तो अष्टमी का मैंने व्रत रखा है, उसका मतलब सिर्फ ये कि अन्न नहीं, और लेकिन फिर भी नमक न लेने का भी एक दिन भी असर बैर। मुसलमान कहता है आप ठीक कहते हैं, हर एक को अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए, बाकी सबको भी अपने अपने रास्ते। औरत गुस्से से, अब मैं और नहीं सुन सकती, इसने तीन आदमियों को कत्ल किया है। हिंदू औरत की तरफ इशारा है, उस औरत के भाई को। औरत जो है अंत में भेद, औरत के भाई को भी। प्रोफेसर, क्या तुम्हें पक्का पता है? औरत, अगर मुझे डर ना होता तो मैं उसके मुंह पर कहती। ये एक मुसलमान औरत है और फिर भी एक दंगाई मुसलमान से डर रही है, तो सामाजिक संरचना और उसका इक्वेशन देखिए। प्रोफेसर, एक चिट पर कुछ लिखकर गांधी जी के सामने रख दे, उसे पढ़कर गांधी जी मनु की तरफ देखते हैं। गांधी, अच्छा कोई ठिकाना मिला? मनु, यह बाई अपनी झोपड़ी देने को तैयार है। गांधी कहते हैं, क्या तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला जो हमें पनाह दे सके? स्ट्रैटेजी देखिए, वे जो दुश्मन हैं उनसे लगातार दोस्ती करने की कोशिश में गांधी। दुश्मन मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो बच्चा भी ढेला इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो हिंसा है। ये लोग गांधी को नहीं स्वीकारते, नहीं मानते, वैसे ही जैसे गोडसे ने नहीं। तो दोनों की मिली जुली इच्छा की वजह से ही गांधी दिवंगत हुए। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों लैस्लो नेमेथ, हंगेरियन लेखक का लिखा नाटक गांधी की मृत्यु। और जब झोपड़ी मिल जाती है गांधी को, तो उनका यह सवाल होता है कि क्या कोई मुसलमान तैयार है? कितना बड़ा प्रयास, कितनी बड़ी कोशिश एक दंगाग्रस्त इलाके में जहां इनके धर्म पर पहले ही सवाल उठ चुका, वहां भी जाकर एक मुसलमान आदमी से उसके घर में आश्रय मांगा, हिम्मत की बात है। और इसलिए गांधी महान थे। वे मुस्कुराते हुए मुसलमान की तरफ देखते हैं, मगर वह आगे बढ़कर उनके ठहरने का कोई प्रस्ताव नहीं रख पाता। मुस्लिम किसान, अगर आपको मेरा घर नागवार न लगे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गांधी, हिंदू औरत, आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नुआखाली में शांति चाहता हूँ, इसलिए एक मुसलमान के घर सोना ज्यादा पसंद करूँगा।
उठते हैं। तो अब हम प्रार्थना के समय मिलेंगे, तब तक अलविदा। अब आगे आगे देखिए, क्योंकि अब ये जब ये कहेंगे कि मैं मुसलमान के घर टिकूंगा, तो हिंदू लोग भी कहेंगे कि आप क्यों नहीं हमारे घर टिके। और मुसलमान चाहते ही, लेकिन दादी का बड़प्पन है अनचाहा मेहमान बनने की कोशिश। लोग जाने लगते हैं। झोपड़ी के मालिक और उसकी स्त्री के साथ प्रोफेसर तथा मनु भीतर झोपड़ी में जाते हैं। इसी बीच टेलर आ पहुंचता है और गांधी जी के पास जाता है। गांधी उसे देखते हुए कहते हैं, क्या तुम साइकिल सवार वही आदमी हो जो हमें जगतपुर में तलाश रहा था? टेलर, हाँ वही। पिछले 2 दिनों से हम लोग एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आप चल पड़े, तभी मैं कार पार पहुंचा। मगर मेरा टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे नहीं जा पाया। गांधी, मुझे मालूम है, उन लोगों ने सड़क पर कील कांटे और कूड़ा बिछा दिया। टेलर, लोगों ने बताया कि आप जंगल के रास्ते शाहपुर चले गए। गांधी, तो आपको भी इसका कुछ स्वाद चखने को मिल गया, लेकिन उसकी वो अदावत कोई आपके पर खिलाफ नहीं थी मिस्टर। टेलर, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। गांधी, यानी आप प्रोफेसर बोस के एक विद्यार्थी हैं ना? टेलर, उसका चेहरा चमक उठा। क्या उन्होंने मेरी चर्चा की थी? हाँ, मैं उनकी कक्षा में भी बैठता हूँ। गांधी, नृतत्व शास्त्र में है ना? अधेरे से भरी इस नुआ खाली में उस साइकिल पर सवारी से आपको नृतत्व शास्त्र का एक अच्छा सबक मिला। टेलर, बेशक उसमें भी, हालांकि यहाँ मैं उस इंसान की टोर में ही ज्यादा। गांधी, तब तो हम दोनों एक ही राह के मुसाफिर हैं। टेलर, प्रोफेसर ने आपको जरूर बताया होगा कि मैं आपका कितना बड़ा अनुयायी हूँ, और अगर ये कहना भद्दा न लगे तो कहूँ कि मैं आपका भक्त हूँ। आज के समय में ये शब्द हल्का हो गया है, क्योंकि भक्त ऐसे हैं जो हत्यारे को हत्यारा नहीं कहते, भक्त ऐसे हैं जो चोर को चोर नहीं कहते। लेकिन यहाँ भक्त का मतलब केवल भक्तिभाव रखना और गांधी जैसे व्यक्ति से जो खुद लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। आज के नेता तो ऐसे नहीं है ना, आज के नेता ना तो इतने सादे हैं, ना उनके पास ऐसे फक्कड़ पने के आदर्श हैं। उनके पास तो मतलब स्विस और जर्मन बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी तहकीकात है ना। उनके पास मतलब ऐसा कोई नेता नहीं है इस देश में जिस पर आर्थिक उसका आरोप न लगाया जा सके। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसा कोई नेता नहीं है जो सादा जीवन उच्च विचार की बात को अमल में लाए, सामने रखे आदर्श की तरह। गांधी फिर कहते, यूरोप के लोगों के भीतर आस्था की जगह एक तरह का अभाव भर कर गया है, और कुछ एक लोग उसको मेरे नाम से भरने लगे। लेकिन ये कोरी गलतफहमी भी हो सकती है। देखिए कितने महान है, कह रहे हैं कि पहले मुझे अच्छे से समझ लो और फिर भक्ति करना, और लगातार बातों के माध्यम से सब कुछ कहते हैं। तो दोस्तों, ये था गांधी का बड़प्पन। हम पढ़ रहे हैं लैज़लो नेमेथ लिखित नाटक गांधी की मृत्यु, जिसका अनुवाद प्रोफेसर मार्गरेट गोदर्श और गिरी त्रिपाठी जी ने किया है, और एक अद्भुत नाटक है। यह मूल हंगेरियन से अनुदित है, बेहद जीवंत है। इसमें आप गांधी के उस रूप को पढ़ सकते हैं जो वो बहुत हद तक थे। और इसको पढ़ने का सबसे बड़ा लुत्फ ये है कि ये सोचना
वक्त हंगरी में कोई देखा कि नहीं था जो कि दरअसल था। मुझे सुनने के लिए